अधिकार मिलने चाहिए और आपको आरक्षण मिलना चाहिए। मतलब रोजगार मिलता है तो आपके लिए कुछ रोजगार आरक्षण हो, ये भी संविधान आपको देता है। तो ये दो बहुत बड़ी चीजें हैं जो आपको संविधान द्वारा मिलती हैं। इसके साथ साथ अगर आप किसी की आलोचना करना चाहें या किसी नेता से या राजनीतिक दल से सवाल उठाना चाहें कि क्या किया है मेरे लिए, ऐसा काम आपने क्यों किया, तो आप आंदोलन भी कर सकते हैं, आप खड़े हो सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं। ये भी अधिकार आपको संविधान ने दिया है। अब जब ये लोग कहते हैं कि संविधान को बदलना चाहते हैं तो इनका क्या मतलब है? इनका मतलब ये है कि जितने भी अधिकार आपको दिए गए हैं वो अधिकार कम करेंगे, उनको कमजोर किया जाएगा। क्योंकि अगर आप आज की राजनीति को देखें और समझें तो आपको स्पष्ट पता चलेगा कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सबसे बड़ा काम किया है वो ये काम किया है कि जनता के अधिकारों को कमजोर किया है। एक जमाने में, मैं हमेशा ये कहानी बताती हूँ, एक जमाने में बड़े बड़े प्रधानमंत्री होते